तो इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर गिवन है और आपको चार चार्जेस गिवन है, प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, ध्यान से, प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। पांचवा चार्ज गिवन है कैपिटल क्यू, नेट फोर्स कैपिटल क्यू पे निकालनी है, तो सारे वेक्टर कैपिटल क्यू पे लगने हैं। तो प्लस क्यू इस कैपिटल क्यू को क्या करेगा, रिपेल, स्ट्रेट रिपेल, कितनी फोर्स के साथ, एफ। एफ की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0 स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय, डायगनल क्या होता है स्क्वायर का, √2a, और हाफ डायगनल क्या होगा, √2a डिवाइडेड बाय 2, यानी कि a बाय √2। तो यहां पर क्या आएगा, a बाय √2 का होल स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है, क्योंकि डिस्टेंस ये और ये के बीच में a बाय √2 होगा, तो 1/4πε0 क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई ए बाई √2 का होल स्क्वायर। तो पहला वेक्टर क्लियर है। सिमिलरली ये क्यू इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो ये क्यू इसे रिपेल करेगा, तो ये फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ। कोई डाउट इसमें, तो एफ एंड एफ क्लियर है, दो वेक्टर्स क्लियर है। तीसरा, तीसरे में ये क्यू, ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो अट्रैक्शन तो ऐसी होती है ना, ये अट्रैक्शन है, तो तीसरा फोर्स भी क्या रहेगा, वेक्टर एफ। और ऐसी ये नेगेटिव इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो चौथा वेक्टर भी यही बनेगा। ठीक है, अट्रैक्शन अट्रैक्शन हो गया। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये एंगल क्या बनेगा, 90 बन गया। ये भी क्लियर है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से नेट वेक्टर नीचे बनेगा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ 2f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर, दैट इज 4f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर, यानी कि 8f स्क्वायर, यानी कि 2√2f, ये बनेगा। तो f की वैल्यू एंड में पुट कर देना, 2√2 1/4πε0 क्यू इन टू क्यू डिवाइडेड बाई ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन के लिए कोई भी नाम दे दो, ओ बी ऐसे दे दो, तो लिख देना अलॉन्ग ओ बी या नेगेटिव वाई एक्सिस, कुछ भी लिख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चारों की वजह सेम होगी, बस फर्क यह है कि ये प्लस प्लस को रिपेल, ये प्लस प्लस को रिपेल, ये नेगेटिव प्लस को अट्रैक्ट और ये नेगेटिव प्लस को अट्रैक्ट। 2f 2f 90 डिग्री वेक्टर सम। अब ये बताओ, अगर ये चारों चार्जेस पॉजिटिव होते तो नेट आंसर क्या आता, जीरो। क्यों, क्योंकि ये अब पॉजिटिव इसे क्या करता, रिपेल, और ये भी क्या करता, रिपेल, आपस में कैंसल, ऐसे ये भी कैंसल। तो अगर चार्जेस सारे पॉजिटिव होते तो नेट आंसर सेंटर पे जीरो होता। क्लियर है, तो ये ऑब्जेक्टिव आते हैं तो कई लोग जल्दबाजी में जीरो मार्क कर देते हैं, वो भूल जाते हैं कि दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव भी हैं, जो डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है,